झारखंड में धार्मिक आस्था पर प्रहार करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। धनबाद के गोविंदपुर में एक मंदिर में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा का समुदाय विशेष के युवक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से आक्रोशित गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर बंधक बना लिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सुबह 9:30 पर करीब मंदिर परिसर में घुसा और गर्भगृह में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। गांव के कुछ लोगों ने उसे प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हुए देख लिया और शोर मचाकर गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर मंदिर परिसर में ही रस्सी से बांध दिया। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लंबी जद्दोजहद के बाद हालात को काबू में किया। गांव वालों ने आरोपी युवक इम्तियाज अंसारी को पुलिस के हवाले कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि इसी युवक ने लगभग 6 महीने पहले भी एक मंदिर में भगवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उससे पहले भी एक बार वो ऐसा कर चुका है। दोनों बार उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार गांव वाले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। सूचना मिला था कि कोई दो युवक मंदिर में घुस के मंदिर का तोड़फोड़ कर रहा है, तो थाना प्रभारी जल्दी मौके पर पहुंचे और एक युवक को तुरंत भेज दिया था और दूसरे को यहाँ ग्रामीणों को घेराव करके रखा था, उनको भी वहाँ यहाँ से हटा दिया। तो FIR का प्रोसेस होगा उसमें और जो कानूनी कार्रवाई होना है वो हो जाएगा। ग्रामीणों की क्या मांग है? मंदिर का, क्योंकि नवरात्रा भी चल रहा है, इन लोगों का पूजा करने का है, तो जो भी तोड़फोड़ यहाँ पे हुआ है, जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, प्रशासन की तरफ से वो सब यहाँ उन लोगों के लिए बना लिया जाएगा। मैडम, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि यह युवक जो है लगातार 3 मंदिरों को खंडित कर चुका है, वो तो अभी अनुसंधान का विषय है। ग्रामीणों से यही अपील है कि नवरात्रा का टाइम है, पूजा पाठ का टाइम है, आप अपना पूजा पाठ कीजिए शांति से। नवरात्र और आगे आने वाले दिवाली छठ तक सारा का जो भी पूजा पाठ आप लोगों का है वो शांतिपूर्वक आप लोग करिए। हाल ही में रांची में हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। दोबारा ऐसी घटना होने से प्रदेश में अशांति फैल सकती है। त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। सरकार और प्रशासन को ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा कुछ करने का दुस्साहस ना कर सके।